दोस्तों बैक पेन रिलीफ के लिए ये अपना पहला आसन है जिसका नाम है मरकटासन। इसके अंदर पैरों को फोल्ड करें, एडी को एडी से मिलाएं, टखनों को टखनों से और घुटने को घुटने से, और हाथों को साइड में फैलाकर एक साइड सिर को लेके जाएं और एक साइड पैरों को। अराउंड 10 सेकंड तक रोकें, उसके बाद दूसरी साइड में करें। इस आसन को 10 सेकंड के लिए 4 से 5 बार करें। 10 सेकंड एक साइड, 10 सेकंड दूसरी साइड। इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है बैक पेन से। दोस्तों ये अपना दूसरा आसन है, इसके अंदर भी सेम वैसे ही कीजिए। टखनों को मिलाएं, गोडों को मिलाएं, एडी को मिलाएं और एडी को हाथ से पकड़ें और सिर और कंधे को ज़मीन पर टच करके रखें, बाकी पूरे शरीर को उठा के रखें। ऐसे ही लगातार कम से कम 20 सेकंड तक शरीर को हवा में रखें, उसके बाद ही नीचे लाएं। इस आसन को 2 से 3 बार कर सकते हैं और बैक पेन रिलीफ के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। इसमें जब आप ऊपर होते हैं तो जितना उसके पेट को थोड़ा नीचे दबा के रखें। यह अपना तीसरा आसन है, इसके अंदर पेट के बल लेट जाएं, हाथों को सीधा रखें और पैर को लगभग 1 फुट तक ऊपर उठाएं और ऐसे ही 15 से 20 सेकंड तक रखें। एक पैर को नीचे किया, फिर उसके बाद दूसरे पैर को। इस एक्सरसाइज को आप 3 से 4 बार कर सकते हैं और मैं ये बातें आपसे इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद बैक पेन रहता था और जब से मैं ये योगा करने लगा हूँ, ये 4 से 5 एक्सरसाइज हैं, उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। अगर आप ये डेली नहीं कर पा रहे हैं तो एक वीक में कम से कम 3 दिन ज़रूर करें, 3 दिन में भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। यह अपना चौथा आसन है, इसके अंदर हाथों को चेस्ट के पास लेके आएं और शरीर को आगे से आप जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं, गर्दन को आसमान की तरफ ले जाएं और पैरों को बिल्कुल मिलाकर और पंजों को बाहर की तरफ खींचें और कम से कम 15 सेकंड तक रुके। ऐसे इसको भी 2 से 3 बार करें। दोस्तों इस आसन के अंदर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें और जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं उस आवाज़ को सुने, अपने सांस को सुने, बाकी बिल्कुल रिलैक्स करें और किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचें। दोस्तों बैक पेन से रिलेटेड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।